हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री काफी हद तक बच्चों को पसंद आ रही है और उनको उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री काफी आसान हो गई है आपके नोट्स की हेल्प से। बच्चों बता दो, नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाओगे, लिंक को क्लिक करोगे और वो खुल के आ जाएगा, ऑप्शन खुल के आता है, उसको पूरा पीडीएफ खुल के आ जाती है। साइड में एरो का डाउनलोड, एरो का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करोगे तो नोट्स क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। कई लोगों को अभी दिक्कत है, पता नहीं क्यों मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और चीज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेरे को कमेंट्स कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना? क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कुछ कुछ चीजों में, शायद कुछ वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता क्यों। बट क्या करना है हमको, हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम छोटी मोटी आती रहती है लाइफ में, है ना, उससे परेशान नहीं होना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 5। हाँ, ये थोड़ा सा लेक्चर 2 दिन डिले हो गया, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, अपने शहर में नहीं था, बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से लेक्चर 2 दिन डिले हो गया है। कायदे में 2 दिन पहले आना चाहिए था इस लेक्चर को। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को उसी जोश के साथ। तो हेडिंग है हमारे पास एंटी मलेरियल्स। तो आज हम लोग जानेंगे मलेरिया को खत्म करने वाले एजेंट्स के बारे में। तो मलेरिया, सबको पता है मलेरिया क्या होता है, मच्छर काटने से हो जाता है मलेरिया। क्यों होता है, कुछ लोगों को वही पता होगा कि उसके अंदर जो पैरासाइट होता है वो प्रोटोजोन्स कैटेगरी का होता है। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा, हम समझेंगे यहां पर मलेरिया होता कैसे है, ठीक है, और फैलता कैसे है, फिर ठीक है ना, उसको किस तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो ये कुछ 7 ड्रग्स हैं हमारे पास जो कि मलेरिया को रोकने में, उसको ठीक करने में, उसको उसके प्रिवेंशन में। देखो, प्रिवेंशन क्योर नहीं होता है, प्रिवेंशन का मतलब है होने नहीं देना, मलेरिया होने नहीं दिया जाएगा, और क्योर करना मतलब मलेरिया हो चुका उसे हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फाइव है एंटी मलेरियल्स। तो देखते हैं यहां पर एंटी मलेरियल्स। सबसे पहले हम समझेंगे मलेरिया की साइकिल को। देखो बच्चों, थोड़ा सा मलेरिया के साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या है मलेरिया के साइकिल। शुरुआत करेंगे हम लोग यहां से। ये रहा सबसे पहला स्टेप, ये आया मच्छर और मच्छर ने काट लिया खच। अच्छा, मच्छर के डंक में, मच्छर का डंक पाइप जैसा होता है, कैसा होता है, पाइप जैसा, ऐसे घुसा देगा अंदर, और अपने जब घुसा देता है, क्योंकि हमारा ब्लड क्या कर जाता है, क्लॉट बन जाता है थोड़ी देर में, और अगर ब्लड मच्छर के पेट में जाके जम गया तो मच्छर की डेथ हो जाएगी, या वो सक कर रहा है, सक करते करते उसके डंक में जम गया तो वो आगे खाने लायक नहीं बचेगा। तो उसके डंक में अपने साथ वो मच्छर अपना सलाइवा, अपना थूक छोड़ता है, ठीक है ना। वो थूक के अंदर एक केमिकल होता है जो इस ब्लड को जमने नहीं देता है। अच्छा, ब्लड सक कर रहा है, साथ में थोड़ा सा उसने थूक भी छोड़ दिया है, वो थूक होता है, उसी को, थूक जो वहां पे इकट्ठा हो जाता है ना, उसको खत्म करने के लिए, उस सलाइवा को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी आके अटैक करती है, तो वहां फिर खुजली होने लगती है। क्लियर है? बट ये जो मच्छर ने जो सलाइवा छोड़ा, उस सलाइवा के अंदर, कुछ मच्छर के अंदर, वो मच्छर भी कौन से होते हैं, फीमेल्स होती है, कौन सी होती है, फीमेल्स। अच्छा, क्या मेल्स नहीं काटते हैं क्या? देखो, मेल्स, फीमेल्स को क्यों काटना पड़ रहा है और मेल्स क्यों नहीं काटते हैं? तो देखो, जो फीमेल होती हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको अपने बच्चों के लिए ना ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है, जो कि काफी उनके लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। तो आकर के ह्यूमन ब्लड को काटने की कोशिश करती हैं, तो ह्यूमन को काटती हैं और ब्लड को सक करती हैं। खैर, आगे आते हैं। जैसे ये काटता है तो इसके सलाइवा, मैंने कहा ना सलाइवा छोड़ा है ताकि ब्लड जमे नहीं, उस सलाइवा में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजॉइट। क्या कहते हैं? स्पोरोजॉइट, ठीक है ना। वो स्पोरोजॉइट जाकर के सबसे पहले ब्लड से होता हुआ कहां पहुंचता है, लीवर में। सबसे पहले लीवर में पहुंचेगा, लीवर के अंदर जाकर के जो हेपाटोसाइट, लीवर के सेल्स होते हैं, हेपाटोसाइट क्या है, कुछ और नहीं है, लीवर सेल्स होते हैं। इस सेल्स को जाकर क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, इस सेल्स पे अटैक करेगा, इस सेल के अंदर जाकर के फिर वो क्या करेगा, इस सेल को कन्वर्ट कर देता है धीरे से साइजोंट में। कैसे कन्वर्ट करता है, साइजोंट में। साइजोंट कुछ और नहीं है, साइजोंट एक सेल होता है जिसके अंदर मल्टीपल, ये जो स्पोरोजॉइट गया है वो अपना डिवीजन करता है, एसेक्सुअली डिवाइड होगा। कैसे होता है, एसेक्सुअली डिवाइड होगा
और इस पूरे सेल के अंदर ढेर सारे जो साइजोंट होते हैं वो भर जाते हैं, पूरे सेल के अंदर साइजोंट भरे हुए हैं। फिर ये सेल क्या करेगा, फटेगा। ये सेल जब फटता है तो इसके अंदर ढेर सारे देख सकते हैं हम लोग, ये क्या हो रहे हैं, ये रिलीज हो गए। ये जब लीवर से रिलीज हो जाते हैं साइजोंट, जब लीवर से रिलीज हो जाते हैं, लीवर से निकलते हैं, अगले ही पल जाकर के एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल को जाकर के क्या करते हैं, इन्फेक्ट करेंगे, रेड ब्लड सेल पे अटैक करते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर जाकर के ये एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये किस में बदल जाते हैं, ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट वो स्टेज होती है जिसके अंदर ये ट्रोफोजॉइट आगे जाके फिर से किस में बदलता है, साइजोंट बदलता है। साइजोंट अपने अंदर क्या करेगा, एसेक्सुअली डिवाइड होकर ढेर सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीरोजॉइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मीरोजॉइट। अच्छा, जब ये ऊपर की आरबीसी है, ये आरबीसी जब फटती है, ठीक है ना, इसके अंदर ढेर सारे मीरोजॉइट निकलते हैं और इसके अंदर से केमिकल निकलता है हेमोजॉइन नाम का। वो केमिकल जब निकल करके ब्लड में आता है तब लगती है हमको क्या, ठंड और कपकपी, उस केमिकल की वजह से, ठीक है। अब ये मीरोजॉइट फिर ब्लड में आ गए, फिर ये और ब्लड को इन्फेक्ट करेंगे, ये साइकिल इनकी हमारी बॉडी में चलती रहती है। बात समझ में आ रही है, अब इसको भूल जाए तो ये रेड ब्लड सेल के ऊपर अटैक करते जाएंगे और क्या होगा, रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगते हैं अगर टाइम पे क्योर ना किया जाए। इसी समय पे होता क्या है, कुछ जो रिंग शेप वाले ये होते हैं ये कुछ डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिफरेंट मतलब कुछ ये रिंग शेप वाले जो आरबीसी होती है जिनको साइजोंट ने इन्फेक्ट किया हुआ है, ये डिफरेंशिएट होकर के गैमेट्स में बदल जाते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या आएगा, मेल, और एक क्या आ जाता है, फीमेल। ये गैमेट्स में बदल गया और इधर ये साइकिल चलती रहती है, कुछ गैमेट्स में बदल गया, इधर ये साइकिल चलती जा रही है। अब देखो क्या हुआ, कहानी समझ में आई। अब अगली बार फीमेल मॉस्किटो ने फिर से आके काटा, जब फिर से काटा और ब्लड को खींचा तो ये गैमेट्स जा करके इसके ब्लड के साथ सक करके इस मच्छर के अंदर वापस चले गए। गैमेट्स, दीज आर गैमेट्स, ठीक है ना। ये क्या होगा, इसके अंदर वापस चले गए। अब जब ये इसके अंदर वापस चले जाते हैं तो ये गैमेट जो मेल होता है मच्छर के पेट के अंदर जाकर के, मेल माइक्रोगैमेट में बदल जाता है, फीमेल मैक्रोगैमेट में बदल जाता है, और ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगी, फर्टिलाइज कर जाती हैं और किसे बदल जाती हैं, जायगोट में, ठीक है। जायगोट के बाद ये एक खास तरह का स्ट्रक्चर लंबा खींच जाती हैं और क्या बन जाती है, उकाइनेट। और उकाइनेट थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके अंदर बहुत सारे ऊसिस्ट बनते हैं, ठीक है ना। ये ऊसिस्ट रप्चर होकर के अपने अंदर से क्या रिलीज करते हैं, स्पोरोजॉइट। ये क्या रिलीज हुए हैं, स्पोरोजॉइट। ये स्पोरोजॉइट जा करके वापस से मतलब गट, ये गट से मतलब पेट से निकल करके ये स्पोरोजॉइट जा करके मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड, जहां सलाइवा थूक वाली जो ग्लैंड होती है उसमें जाकर के स्टोर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, अच्छा बात समझना। मच्छर के गैमेट्स बनने के लिए ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है, यानी कि मच्छर की ये वाली साइकिल ह्यूमंस के अंदर होगी और फर्टिलाइजेशन ये ह्यूमन के अंदर नहीं हो सकता। क्यों, ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये फर्टिलाइज यहां करेंगे ही नहीं, किसी कीमत पर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मच्छर वापस से खींच लेता है और ये वापस आ गया मच्छर के अंदर। इस तरीके से हमने देखा मलेरिया का जो पैरासाइट है, इस प्रोजेक्ट देखना जैसे छोड़ा, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो उसको अपनी पूरी साइकिल यानी कि अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करने के लिए एक तो मच्छर की जरूरत है, दूसरा इंसान की बॉडी की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि मलेरिया के दो होस्ट होते हैं, एक के ऊपर असर दिखाती है, मच्छर के ऊपर असर नहीं दिखाएगा। ये मच्छर के अंदर सिर्फ अपने आपको सलाह साइकिल पूरी करनी, फर्टिलाइजेशन करना है, वापस से आके इंसान के ऊपर अटैक करेगा, अपना ग्रोथ करता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, मलेरिया साइकिल क्या कहना चाह रहा है ये। द मलेरिया पैरासाइट, ठीक है ना, अच्छा मलेरिया पैरासाइट, ये पैरासाइट कौन से होते हैं, ये पैरासाइट जो है इनकी कैटेगरी है प्रोटोजोन्स, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, प्रोटोजोआ, सुना है नाम, ये प्रोटोजोन्स होते हैं। खैर जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, जस्ट मैंने बता दिया, लाने की जरूरत नहीं है। द मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल इन्वॉल्व टू होस्ट, अब ये बात समझ में आ रही होगी, दो होस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी यहां पे एक चीज और आएगी, जो ये साइजोंट मीरोजॉइट ये सब जो चीजें हैं ना ये याद करने वाली हैं, क्यों, जब हम इसके मोड ऑफ एक्शन में थोड़ा थोड़ा जिक्र आया करेगा तब यहां पर इन टर्म का इस्तेमाल हुआ करेगा, ठीक है। दो होस्ट चाहिए, एक मच्छर एक इंसान। ड्यूरिंग अ ब्लड मील,
ब्लड का मील, मील मतलब खाना, जब ब्लड खाता है कौन, मच्छर। अब मलेरिया इन्फेक्टेड फीमेल, जिसके अंदर मलेरिया मौजूद है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इनऑकुलेट स्पोरोजॉइट्स। इनऑकुलेट मतलब कोई चीज किसी के अंदर डाल देना, कोई चीज किसी के अंदर डाल देना, तो इनऑकुलेट कर दे रही है। ये जो फीमेल मॉस्किटो है ये इनऑकुलेट कर दे रही है स्पोरोजॉइट्स को, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दे रही है, ठीक है ना, इनटू द ह्यूमन होस्ट। अब ये इसने क्या कर दिया है, स्पोरोजॉइट्स को ह्यूमन के अंदर डाल दिया है। स्पोरोजॉइट्स का मतलब क्या है, अ मोटाइल स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सम पैरासिटिक स्पोरोजॉन्स लाइक मलेरिया। मूव करने की क्षमता होती है इसके अंदर, और स्पोर जैसे होते हैं, स्पोर कह सकते हो छोटे छोटे दाने टाइप के, इस टाइप से, ठीक है ना, स्पोर टाइप के रहते हैं, स्पोर लाइक स्टेज होती है, और क्योंकि मूव कर सकते हैं, तो जू, जू जो वर्ड आता है ये बच्चों आता है, जू वर्ड आता है एनिमल्स, जू मतलब एनिमल जो चल फिर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्पोरोजॉइट्स हो गए, ठीक है, आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं क्या होते हैं, मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव करने की क्षमता होती है, होती है इसके अंदर स्पोरोजॉन्स, ठीक है ना, इन सम पैरासिटिक स्पोरोजॉन्स, ओके। अब आते हैं, डेट इज टिपिकली द इन्फेक्टिव एजेंट, यही क्या होता है, इन्फेक्टिव एजेंट है, जो इन्फेक्शन फैलाएगा वो यही होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट, जो कि होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, इन्फेक्ट लिवर सेल्स, ये क्या इन्फेक्ट कर रहा है, लिवर सेल्स, यहां पे लिवर सेल्स जिनको हमने हेपेटोसाइट कहा है, इनको जाकर के क्या कर दे रहा है, ये इन्फेक्ट कर दे रहा है, क्लियर है बातें, ओके। देयर द स्पोरोजॉइट्स मैच्योर, देयर मतलब यहां जाकर के लिवर सेल के अंदर जाकर के स्पोरोजॉइट्स मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो जाते हैं, इंटू साइजोन्स, साइजोन्स जो उनकी मैच्योर स्टेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइजोन्स कहते हैं। अ सेल दैट डिवाइड बाय साइजोगोनी मल्टीपल फिजन, एक ऐसे सेल्स जो मल्टीपल फिजन, बहुत सारे फिजन, मल्टीपल फिजन सुना ना, अमीबा, अमीबा के अंदर पाया जाता है, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है ना, तो मल्टीपल फिजन करके सेल के अंदर बार बार डिवाइड कर करके करके बहुत सारे साइजोन्स ये बना लेता है, ठीक है, टू फॉर्म डॉटर सेल, ओके, है ना, एक सेल दो में टूट गया, फिर ये दो में और टूटा, अच्छा ये हो गया बाइनरी फिजन, एक सेल दो में टूट रहा है, अगर एक सेल कईयों में टूट जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द साइजोन्स रप्चर, साइजोन्स फूट जाएगा, ये जो पूरा साइजोन्ट बना हुआ था फूट जाएगा, एंड रिलीज मीरोजॉइट्स, अपने अंदर से ये क्या निकाल दे रहा है, दीज आर मीरोजॉइट्स, ये क्या है जो इसके अंदर से निकल रहे हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स क्या है, अ स्मॉल अमीबॉइड, अमीबा जैसा दिखने वाला स्पोरोजॉन्स ट्रोफोजॉइट, ठीक है ना, अमीबा जैसा दिखने वाला एक ट्रोफोजॉइट है, प्रोड्यूस्ड बाय साइजोगेनी, जो मल्टीपल फिजन से पैदा हुआ है, डेट इज कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग अ न्यू सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर क्षमता है ये क्या करेगा, एसेक्सुअली, वापस से ये देखो यहां पर एक, फिर इसके अंदर बहुत सारे डिवाइड किए और फिर फट गया, फिर बहुत सारे निकल गए, यहां पर जो डिवीजन हो रहा है ये जो साइकिल है ये एसेक्सुअल साइकिल है बिना गैमेट्स के, और फिर ये यहां पर क्या बना रहा है, गैमेट्स बना रहा है, ये भी क्षमता है इसके अंदर, तो इसीलिए इसने कहा है इसको कि ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल दोनों करने की क्षमता रखता है। दिस इनिशियल रेप्लिकेशन इन द लिवर इज कॉल्ड एक्स एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब देखो यहां पर एक टर्म आ गया, ठीक है, जब मलेरिया की साइकिल पूछी जाती है, अभी अपने एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, एक्स एरिथ्रोसाइटिक, आरबीसी के बाहर, ये साइकिल कहां घटी है, कहां घटना घटी है, ये वाली रेड ब्लड सेल के बाहर, तो इसको कहा गया है एक्स एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, आरबीसी के बाहर की साइकिल है ये। मीरोजॉइट इन्फेक्ट आरबीसी, मीरोजॉइट ने क्या कर दिया, हमको दिख रहा है मीरोजॉइट ने क्या कर दिया है, आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक। देयर द पैरासाइट मल्टीप्लाइज, यहां पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगे एसेक्सुअली, कॉल्ड द एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब क्योंकि ये आरबीसी को इन्फेक्ट करके आरबीसी के अंदर अपनी साइकिल कर रहे हैं तो इसका नाम क्या पड़ गया, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। द मीरोजॉइट डेवलप इनटू रिंग स्टेज, ये देखा हमने, मीरोजॉइट जो है डेवलप हो रहा है किसमें, रिंग स्टेज में, ये मीरोजॉइट रिंग स्टेज में डेवलप हो गया है, ठीक है, डेवलप इनटू रिंग स्टेज, ठीक है। ये साइकिल अपने कोर्स में नहीं है, परेशान नहीं होना, बट इसको समझोगे तो इंटरेस्टिंग, मजा आएगा कि अच्छा ऐसा होता है, मलेरिया होता है तो किसी की बॉडी के अंदर ये सब चल रहा होता, और जब हम लोग दवाइयां इसके जो अभी ड्रग्स समझेंगे उसमें, उसमें बीच में कुछ टर्म्स के नाम लूंगा तो खटाक से दिमाग में क्या करेगा, क्लिक कर जाएगा, ठीक है। आओ देखिए इसको आगे समझते हैं थोड़ा सा।
रिंग स्टेज ट्रोफोजाइट द एक्टिव। अब देखो जो रिंग स्टेज ट्रोफोजाइट जो है, जो रिंग वाली बात कर रहा था मैं, ये एक्टिव होती है फीडिंग यानी खा सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है ऑफ द मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ। ज्यादातर प्रोटोजोआ का जो रिंग स्टेज होता है ये एक्टिव होगा, फीड करेगा, खाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। ये स्टेज के अंदर तीनों क्वालिटी होती है। सम ऑफ देम मैच्योर इनटू साइजोंट्स, कुछ जाकर के आगे किसे बदल जाते हैं, साइजोंट बदल जाते हैं, जो अंदर फिर ढेर सारे मेरोजोइट्स बनाएंगे। क्लियर है? ओके। द साइजोंट रप्चर, साइजोंट फूटेगा, रिलीज मेरोजोइट, ठीक है ना। साइजोंट फूटा, इसके अंदर ढेर सारे मेरोजोइट्स निकल गए। क्लियर? आओ आगे चले। सम ट्रोफोजॉइट्स डिफरेंशिएट इंटू गैमेटोसाइट्स। अब क्या होता है, कुछ ट्रोफोजॉइट्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। कुछ तो लगातार अगले आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे और ये साइकिल चलाते रहेंगे, कुछ गैमेटोसाइट में बदल जाते हैं अपने आप से समय के साथ, कुछ गैमेटोसाइट्स में बदल जाते हैं क्योंकि उसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी है, ठीक है ना। और गैमेटोसाइट बदल गए ड्यूरिंग अ ब्लड मील, जब मच्छर को वापस खाना खून का चूसने के लिए आती है। एन एनोफिलस मॉस्किटो इंजेस्ट, मतलब खा लेती है द मेल माइक्रोगेमेट्स एंड फीमेल मैक्रोगेमेट्स, यानी कि यहां पे जो गैमेट्स थे इन दोनों गैमेट्स को ये उस खून के साथ वापस चूस लेती है। क्लियर है? ओके। गैमेटोसाइट बिगनिंग द स्पोरोगोनिक साइकिल, अब यहां पर स्पोरोगोनिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी मच्छर के अंदर, ठीक है। इन द मॉस्किटो, मॉस्किटोस के पेट के अंदर द माइक्रोगेमेट, जो मेल वाला था, माइक्रो मतलब मेल, पेनिट्रेट करता है यानी कि फर्टिलाइजेशन कर देता है किसके साथ, मैक्रोगेमेट यानी कि फीमेल गैमेट के साथ, और क्या बना देगा, जायगोट। सबको पता है स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जायगोट। ओके। द जायगोट बिकम मोटाइल, ये जायगोट कैसा होता है, चलने फिरने की अवस्था में होता है एंड इलोंगेटेड, लंबा हो जाता है धीरे से, डेवलपिंग इंटू ऊकाइनेट। ये देखो ये किस्म बदल गया, ऊ का लंबा होकर के और ये मोटाइल होता है, इसके अंदर चलने फिरने की क्षमता रहती है और किस्म बदल जाता है, ये ऊकाइनेट बदल जाता है। द ऊकाइनेट इन्वेड, इन्वेड मतलब हमला करती है द मिट गट, पेट के बीच वाले हिस्से को, उसकी दीवार पर, ठीक है, मॉस्किटो की, वेयर दे डेवलप इंटू ऊसिस्ट, यानी कि पेट की जो बीच की दीवार होती है, पेट की जो परतें होती हैं, मिड गट बोला गया है, ठीक है, उसमें वॉल में जा करके ये किस्म बदल जा रही है, ऊसिस्ट में। ये देखो ऊसिस्ट, ये रहा ऊसिस्ट, ये कहां हो रही प्रोसेस, उसके मिड गट में, कहां हो रही है, मिड गट में। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो द ऊसिस्ट ग्रो रप्चर एंड रिलीज स्पोरोजॉइट, यही ऊसिस्ट आगे जाकर के ग्रो हो जाएंगे, रप्चर करेंगे और क्या बना दिए, ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स बना दिए। कहानी समझ में आई? फिर ये स्पोरोजॉइट्स आगे जाकर वापस इन्फेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टोर कहां होते हैं, देखो उसकी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। ऊसिस्ट ग्रो रप्चर एंड रिलीज स्पोरोजॉइट विच ट्रेवल टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, ये ट्रेवल करके कहां पहुंच जाते हैं, मॉस्किटो के सलाइवरी, जहां पे सलाइवा थूक निकलता है, उन ग्लैंड्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। इनोकुलेशन ऑफ द स्पोरोजॉइट्स इनटू अ न्यू ह्यूमन होस्ट, ठीक है ना, उसका इनोकुलेशन होना नए ह्यूमन होस्ट में, नए ह्यूमन में, परपेचुएट्स मतलब फलना फूलना द मलेरिया लाइफ साइकिल, ये मलेरिया लाइफ साइकिल को क्या करती है, बढ़ाती रहती है। इस तरीके से ये पूरी कहानी होती रहती है। और यहां पर देखो कुछ टर्म्स आए हैं जैसे कि मेरोजॉइट, साइजोंट, ठीक है ना, गैमेटोसाइट, स्पोरोजॉइट, ये सारे टर्म अभी हम आगे देखेंगे किसमें, जब हम इसके ड्रग्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। क्लियर है बातें? ओके। अब एंटी मलेरिया ड्रग्स के बारे में बात कर लें, क्या होते हैं एंटी मलेरिया ड्रग, एंटी मलेरियल मेडिकेशंस और सिंपली एंटी मलेरियल्स, चाहे एंटी मलेरिया मेडिकेशन बोल लो या सिंपली एंटी मलेरियल्स बोल लो, आर आर टाइप ऑफ एंटी पैरासिटिक केमिकल एजेंट। ऑब्वियसली बात है, अभी अभी हमने देखा ये जो है, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, तो एक तरह से पैरासाइट हो गया ना ये हमारी बॉडी में। पैरासाइट कौन होते हैं, जो दूसरे की बॉडी पे जाएंगे, उनकी बॉडी से खाएंगे और उनकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया है, एंटी पैरासिटिक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। केमिकल एजेंट केमिकल है, दे आर ऑफन अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, नेचुरली डराइव्ड यानी कि नेचुरली मिल जाते हैं पेड़ पौधों से। दे यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंटी मलेरिया ड्रग्स मे बी यूज टू ट्रीट मलेरिया इन थ्री कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल, तीन तरह के लोग हो सकते हैं मलेरिया वाले, कौन कौन से हैं,
पहला, those with suspected or confirmed infection. एक तो वो लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कंफर्म बोल दिया कि तुमको मलेरिया है, अब उसका ट्रीटमेंट चलेगा. एक तो यहां इस्तेमाल हो रहा है. दूसरा, those visiting a malaria endemic region. बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां मलेरिया बहुत ज्यादा है. अब मुझे पता है कि मेरे को वहां जाना है, मेरी जॉब लगी कुछ भी है और वहां मलेरिया बहुत ज्यादा है. तो विजिटिंग मतलब जाना, मलेरिया एंडेमिक, उस पर्टिकुलर कंट्री में इतना ज्यादा मलेरिया कि जाओगे तो मलेरिया हो ही जाएगा, गारंटी इस बात की. ठीक है, हु हैव नो इम्यूनिटी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन वाय मलेरिया. ठीक है, अब उसके अंदर हमारे अंदर क्षमता तो है नहीं कि हम उसको रोक लें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. यानी कि वो वहां जा रहा है, हमें पता है, तो पहले से ही कुछ ड्रग्स उसको दे देते हैं जो उसके अंदर मलेरिया को होने नहीं देगा. जैसे ही मलेरिया का स्पोरोजॉइट उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो केमिकल उस स्पोरोजॉइट को किल कर देगा, उसकी साइकिल को पूरा होने नहीं देगा. एक तरीका ये हो गया. दूसरा, इन ब्रॉडर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, ब्रॉडर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल में, बहुत सारे इंडिविजुअल में, इन रूटीन बट इंटरमिटेंट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. अब मान लो हम लोग इंडिया में ही हैं, हमको पता है हर साल मलेरिया फैलता है, तो हम लोग क्या करें, बीच बीच में है ना, बहुत सारे ग्रुप जहां पे हम लगता है मलेरिया बहुत ज्यादा होने वाला है, तो उसकी बात हो रही है एक रूटीन में, बट इंटरमीडिएट बीच बीच में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इन रीजन वेयर मलेरिया इज एंडेमिक वाया इंटरमीटेंट प्रिवेंटिव थेरेपी. बीच बीच में जैसे कि उन्होंने देखा होगा कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं, घरों पे आते हैं, फलेरिया की दवाइयां दे जाते हैं, ठीक है ना, तो बीच बीच में साल में एक बार पोलियो का चल जाता है स्कीम बोल रहा हूँ, पोलियो की वो चलती है, क्या कहते हैं, मुहिम चलती है. तो इस तरीके से बीच बीच में जहां पे हमको पता है कभी कभार होता करके, तो वहां बीच बीच में इसको हम प्रिवेंटिव तौर पे ले सकते हैं कि हम मलेरिया ना हो. ठीक है, तो इस तरीके से तीन कैटेगरी है जहां हम डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज मोस्ट ऑफन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी. होता क्या है, सिंगल एक ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अक्सर मलेरिया पैरासाइट रेजिस्टेंट हो जाता है उस ड्रग के लिए, यानी कि वो ड्रग का असर उसके ऊपर खत्म हो जाएगा, इसीलिए कॉम्बिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो इसमें कई सारे आते हैं, आर्थीमीटर बड़ा कॉमन है आजकल, इंजेक्शन लगता है इसका, एंड लुमेफेंट्रीन अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट. अगर कोई मलेरिया पैरासाइट जैसे कि प्लास्मोडियम फैल्सिपरम है, क्लोरोक्विन का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो हम लोग आर्थीमीटर और लुमेफेंट्रीन का एक साथ कॉम्बिनेशन में ड्रग का इस्तेमाल करते हैं. कॉम्बिनेशन के फॉलोइंग एडवांटेज हैं, रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर. कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि ये मेरा जो ट्रीटमेंट है फेल नहीं होगा. क्यों, जो मलेरिया है रेजिस्टेंट नहीं हो पाएगा तो वो फेल नहीं होगा. रिड्यूस रिस्क ऑफ डेवलप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होने के चांस कम रहेंगे. रिड्यूस साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं. क्लियर है बात, ये बात समझ में आई. ओके, तो नेक्स्ट. ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई करें तो ये 12 कैटेगरी है हमारे पास. ठीक है, सिंकोना एल्कोलाइड, जो एक सिंकोना क्या हो या चिंकोना कहो, जो एक प्लांट है उसमें से निकलता है, क्विनिन और क्विनिडीन, 4-अमीनोक्विनोलीन जिसके अंदर क्लोरोक्विन आ जाता है, 2-अमीनोपाइरिमिडीन जिसके अंदर पाइरिमिथामाइन आता है, 8-अमीनोक्विनोलीन जिसके अंदर प्रिमाक्विन आ जाता है, सल्फोनामाइड और सल्फोन, ठीक है ना, सेस्क्यूटर्पीन लैक्टोन्स, आर्टिसोनेट आते हैं इसके अंदर, क्विनोलीन, मेथनॉल, मेफ्लोक्विन आ गया, टेट्रासाइक्लिन के अंदर टेट्रासाइक्लिन आ गया, अमीनो अल्कोहल, देन मैनिच बेस, देन नेप्थोकिनोन एंड देन बिगवानाइट्स. बात समझ में आ रही है, तो केमिकल स्ट्रक्चर उनके अंदर कौन सा पाया जाएगा उसके आधार पर हम लोग इनको 12 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, दूसरा, अगर मैं एक्शन बेस्ड बात करूं, देखो यहां पे अब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी. एक्शन बेस्ड प्राइमाक्विन, क्लासिफाई करें तो गैमेटोसाइटोसाइडल, यानी कि जो गैमेट्स बन रहे थे ना, दो गैमेट्स बन रहे थे उनको किल करने वाला. यहां पे क्या हो रहा है, मोड ऑफ एक्शन प्राइमाक्विन इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द पैरासाइटिक ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस. जो उसकी रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया है, उसके दौरान उसमें क्या करेगा, बाधा उत्पन्न कर देगा. तो ये मोड ऑफ एक्शन अगर नहीं भी याद रखो तो चलेगा, अभी उसको नहीं पूछ रहा है. ठीक है, क्लोरोक्विन की बात करें तो ब्लड साइजोसाइन, जो ब्लड के अंदर साइजोन्स बन रहे थे, एक लिवर के अंदर बन रहे थे और एक ब्लड के अंदर, तो जो ब्लड के अंदर बन रहे थे उनको ये किल करेगा साइनोसाइड्स. ठीक है ना, ये उसका मोड ऑफ एक्शन है. क्लोरोक्विन एक्युमुलेट इन द एसिडिक फूड वैक्यूल, जो उसका फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, ऑफ इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक ट्रोफोजाइट एंड देयर बाय प्रिवेंट हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन. ठीक है, तो इस तरीके से उसको क्या कर रहा है, वो प्रिवेंट कर रहा है. आर्टेमिसिनिन डाइहाइड्रो
आर्टेमिस नेम, गैमेटोसाइटोसाइडल, यही आ गया गैमेटोसाइटोसाइडल, गैमेट्स को किल करने वाला, इन्वॉल्व द हीम मेडिएटेड डिकम्पोजिशन ऑफ द परऑक्साइड ब्रिज टू प्रोड्यूस कार्बन सेंटर्ड फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल पैदा करके उनको किल करेगा ये। कुरक्यूमिन ब्लड साइडोजेंट्स, जो कि क्या है, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड वाले साइडोजेंट से उनको किल करेगा ब्लड के वाले। देन आर्थीमीटर, बीटा आर्थीमीटर, ये गैमेटोसाइटोसाइडल गैमेट्स को किल करेगा। देन ल्यूमेफेंट्रिन, ये ब्लड साइजोंटोसाइट्स यानी कि ब्लड्स के जो साइजोंट्स हैं उनको किल करेगा। तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे इट एक्ट अगेंस्ट द आइसोसाइटिक स्टेज ऑफ पी फैलोजन एंड इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दे रहा है। अभी अगर इतनी बातें समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, मेन हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। अब यहां से तुमको एक बात समझ में आ रही होगी, अच्छा कभी गैमेट्स को, कोई गैमेट्स को मार देता है तो साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी, कोई साइजेंट्स को मार देगा, कोई गैमेट्स को, ज्यादातर साइजेंट्स और गैमेट्स वाले ही हैं। उनका मोड ऑफ एक्शन देख ले तो कहीं प्रोटीन लिपिड के लिपिड को रोक दे रहा है, कहीं न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन को रोक दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, मोड ऑफ एक्शन अल्टीमेटली वही रहता है सबका लगभग लगभग, कि उनकी जो खास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको रोक दे, सेल वॉल तोड़ दी जाती है वगैरह वगैरह इस टाइप से। तो ये मेरे पास हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि किस आधार पर वो मार रहा है, ठीक है, उसके आधार पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, ये है, इसको याद करोगे, ये समझने के लिए है, मजा आता है इसको पढ़ने में कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ओके। अगला आता है हमारे पास, अब हमारे पास ड्रग्स स्टार्ट हो जाती हैं। क्या स्टार्ट हो जाती हैं, ड्रग्स। तो फटाफट देखते हैं क्विनिन सल्फेट, क्या कह रहा है क्विनिन सल्फेट के बारे में, ये एक अल्कलॉइड है, क्या है ये एक अल्कलॉइड है, डराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, सिंकोना ट्री की जो छाल होती है उसमें से हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। इट इज यूज एन एंटी मलेरियल ड्रग, ये एक एंटी मलेरियल ड्रग की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्यूनिन इज ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीट मलेरिया, ओके। एंड बेबिसियोसिस, बेबिसियोसिस, बेबिसियोसिस क्या है, एक रेयर बहुत ही कम पाया जाने वाला एंड लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन जान को खतरा है इससे, इन्फेक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, ये आरबीसी का इन्फेक्शन है, कॉज बाय टिक्स, टिक्स होते हैं जो गाय भैंसों के ऊपर पाए जाते हैं, उसके बाद लीखे वगैरह होती हैं। इट इज कॉज्ड बाय टाइनी पैरासिट कॉल्ड बेप्सिया, वो टिक होता है, उसका नाम क्या है, उसके अंदर पाया जाएगा ये, और उसका नाम क्या है, बेप्सिया है। फैलाया जाता है टिक्स के द्वारा, लीखों के द्वारा, है ना, जैसे कि मलेरिया फैलाया जाता है मच्छरों के द्वारा, इसके अंदर एक पाया जाता है पैरासाइट बेप्सिया नाम का, जब ये काट लेता है टिक तो बॉडी के अंदर फैल जाता है ये, और फिर क्या है इंसान में दिक्कत होने लगती है, ओके। आगे आते हैं, इट इज यूज टू ट्रीट मलेरिया ड्यू टू प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम, मलेरिया चार कैटेगरी के होते हैं, एक प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, है ना, स्टेफी, टोटल चार कैटेगरी के हैं। तो ये प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा क्रिएट किया जाता है मलेरिया, ये उनको ठीक करने में काम आता है, प्लस उन मलेरिया को ठीक करने में भी काम आता है जो क्लोरोक्विन के रेजिस्टेंट हो गए हैं, यानी कि क्लोरोक्विन उनके ऊपर असर नहीं कर रहा है, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इट इज ऑल्सो यूज फॉर नॉक्ट्यूर्नल लेग क्रैम्प, नॉक्ट्यूर्नल मतलब होता है रात, नॉक्ट्यूर्नल मतलब रात के समय का टाइम, लेग क्रैम्प पैरों में जो रात के समय ऐठन होती है, ठीक है ना, क्या है ये नॉक्ट्यूर्नल नॉक्ट्यूर्नल लेग क्रैम्प्स, क्रैम्प्स मतलब ऐठन लिख लो यहां पर, क्रैम्प्स मतलब ऐठन, आर आर टाइट नॉटेड फीलिंग इन योर लेग्स, ऐसा लगता है कि पैर बहुत टाइट सा हो गया और गांठ सी बन रही है पैरों में, ठीक है ना। That happens at night, generally night में होता है ये, they can last several second to several minute, कुछ second से लेकर के कुछ minute तक ये अवस्था रह सकती है। Quinine is not recommended for this purpose due to the risk of serious side effect, Quinine को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये लाइन चाहो तो काट सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमको इतना ध्यान रखना था कि ये क्यूनिन सल्फेट है वो क्या है, लेग, इसके जो लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, इट कैन बी टेकन बाय माउथ और इंट्रावेनसली, माउथ और आईवी के द्वारा लिया जाता है। मलेरिया रेजिस्टेंस टू क्यूनिन ऑकर इन सर्टेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इस क्यूनिन के लिए दुनिया के कई हिस्सों में जो मलेरिया है वो रेजिस्टेंट हो गया, उन्होंने दोस्त बना लिया, भैया आओ क्यूनिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ रहे हो ना, क्यूनिन खा रहा है मलेरिया को फर्क नहीं पड़ रहा है, रेजिस्टेंट हो गया है दवाई से, ओके। स्टार है क्या इसके ऊपर, स्टार नहीं है तो केमिकल नेम और स्ट्रक्चर Not in our course, but आओ देख लेते हैं नेमिंग में क्या जा रहा है ना। तो पेरेंट चेन की बात करें तो यहां पेरेंट चेन क्या है, मिथेनॉल, यानी कि जो हमारे पास पेरेंट चेन में काउंट होगी तो ये रहा मिथेनॉल, ये सी लगा हुआ है जॉइंट पे, पता है ना, मैं पहले बता चुका हूं, जो खाली जगह होती है वहां पे भी सी माना जाता है और जहां जॉइंट होते हैं वहां पे भी सी माना जाता है,
क्लियर है। तो कितने सी हो गए, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ओके मिथनॉल हो गया ये। अब आगे आते हैं, मिथनॉल हो गया, अब यहां पे आते हैं वन, अब देखो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 5 पर एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, ये क्या है, इथीन होता वैसे तो, बट अब क्योंकि ये ग्रुप में लगा हुआ है, एज अ ब्रांच लगी हुई है, साइड चेन है, तो ये क्या हो जाएगा, इथीनाइल। किस पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है इथीनाइल। 1 पे क्या लगा हुआ है, एजा नाइट्रो, ठीक है ना। और बाई साइक्लो दो रिंग है, एक रिंग ये है, ये ब्रिज आ गया, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, और रिंग के दोनों तरफ देखो कितने कितने कंपाउंड है। ऐसे ये ब्रिज ले लें, अगर हम लोग एक पॉइंट ये ले लें तो एक ये है, तो देखो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, 1, 2, 2 कार्बन एटम, 1, 2, 2 कार्बन एटम, 1, 2, 2 कार्बन एटम, तो 2, 2, 2 और कितने हैं, 8 है, तो ऑक्टेन 2 से जुड़ा हुआ है, 2 और आइल, क्योंकि ये भी ब्रांच में है, तो क्या लग जाएगा, आइल लग जाएगा ना, जैसे कि इथाइल मिथाइल। जैसे यहां पर एक मैं CH3 लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल, क्या बोलेंगे इसको, अरे क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिथाइल बोलेंगे। क्लियर है बात, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। तो अब आते हैं यहां तक कहानी, इस वाले पार्ट की कहानी खत्म हो गई। फिर कह रहा है 6-methoxy, तो यहां पे आ जाए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और यहां पर क्या माना जाएगा, 6 और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, 6-methoxy, ये कंपाउंड क्या हो गया मेरे पास, किनोलिन, और 4 से जुड़ा हुआ था, 4 पे आइल, 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। देन मिथनॉल एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे है नहीं, लिख लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, साथ में डॉट लगा के लिख दो, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाइहाइड्रेट, ठीक है ना, डाइहाइड्रेट डॉट 2H2O, ये आ गया मेरे पास इसका पूरा कंपाउंड, इसके साथ ये भी रहेगा। क्लियर है बातें, तो ये बड़ा सिंपल है नेमिंग, ओके। आगे आते हैं, यूज की बात करें तो यूज टू ट्रीट मलेरिया, बेप्सियोसिस, नॉक्ट्यूनल लेग क्रैम्प्स, इट इज माइल्ड एंटीपायरेटिक। अच्छा, एंटीपायरेटिक बुखार के भी ठीक करता, थोड़ा बहुत दर्द में भी काम आता है ये, बट एज ए बुखार में ले ही लें या दर्द के लिए ले ही लें ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत ऐसी एक्टिविटी भी इसके अंदर पाई जाती है। स्टेबिलिटी देखो सब में सेम रहने वाला है इस पूरे उसके दौरान, स्टोर एट 20-25, नहीं पसंद लिख दो एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या लिख दोगे, रूम टेम्परेचर लिख दोगे, ओके। स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, टाइटली क्लोज कंटेनर है ना, एक और लाइन लिख लो, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट और लाइट, कुछ भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज हो गया, ओके। फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल और सस्पेंशन तीनों में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें तो सिंकोना, उसी के नाम से दे दिया, क्यूनरसॉल, रेस्क्यू और क्वाला क्वीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्लोरोक्विन फॉस्फेट स्टार लगा हुआ है, इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर अपने कोर्स में है। क्लोरोक्विन इज अ मेडिकेशन प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया, ऑब्वियसली बात है मलेरिया पढ़ रहे हैं, है ना, पता होना चाहिए, तो जनरल इंट्रो में आ जाएगा इसका यह लाइन। क्लोरोक्विन इज आल्सो ओकेजनली यूज फॉर अमीबियासिस, दैट इज ऑकरिंग आउटसाइड द इंटेस्टाइन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ल्यूपस एरिथेमेटस। अब देखो अमीबियासिस क्या होता है, अमीबियासिस एक तरह का लूज मोशन है, खतरनाक वाला होता है ये, अमीबिक डिसेंट, जब अमीबिया अमीबा की वजह से होता है, हिस्टोलिटिका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये उसका एक नाम है जिसके द्वारा ये अमीबियासिस होती है। इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से लूज मोशन और ना सारे लूज मोशन वाले लक्षण पूरे बंपर वाले आते हैं। फिर आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें मैंने बता चुका हूं पहले भी, जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही खुद ही इन जॉइंट पे आकर के अटैक कर देता है, उसको लगने लगता है कि यहां पर जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो हमारी बॉडी के नहीं है, उन पे आके अटैक करेगा, उनको खाना पीना शुरू करता है, तो यहां दिक्कत हो जाती है, सूजन वगैरह रहती है, बहुत दिक्कत आती है। ल्यूपस एरिथेमेटस मतलब यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा जो ब्लड सेल्स वाला थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है, ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून,
ये जो ल्यूपस वाला है इसमें क्या हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारे जो ब्लड सेल्स रहते हैं उनके ऊपर क्या करता है, कहीं ना कहीं अटैक करता है, थोड़ी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इट इज टेकन बाय माउथ। आगे बात करें केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की, तो देखो जरा यहां पर क्या है केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर में। ओके, यहां पर हम देखें अगर तो जो ब्रांच आ रही है मेरे पास, यहां पे अमीन है, ठीक है ना, प्लस पेंटेन और अमीन, तो यहां ले लेते हैं हम लोग फोर डाइथाइल, ये आ गया एक दो तीन चार और पांच, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो ये आ गया पेंटेन 1 4 1 और 4 पे, एक अमीन ये है, एक अमीन ये है डायमीन, और फॉस्फोरिक एसिड डॉट H3PO4 ऐसे लिख दिया, हो गया फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। अब इसमें आगे आते हैं, देखो क्या है, 4 पे जो N लगा हुआ है, 4 पे ये N लगा हुआ है, इस N के 7 पे यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा किनोलिन, और 4 पे लगा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है तो 4 आइल, आइल मतलब ब्रांच है, ये भी क्या है ब्रांच चेन है, बात समझ में आई। तो 7 क्लोरो और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है किनोलिन, देन 1N, एक सी एक सी एक सी, 1 पे क्या लगा हुआ है N, और 1 पे क्या लगा हुआ है N, दोनों पे इथाइल इथाइल लगा हुआ है, तो 1N 1N डाइइथाइल, एक इथाइल एक इथाइल, पेंटेन 1 4 डायमीन फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है। ओके, यूज अब वही है मलेरिया जो ऊपर बताए थे, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ल्यूपर्स, एरिथेमेटस, स्टेबिलिटी स्टोरेज वही सारी चीजें सेम है, यहां पर बस थोड़ा सा एक चीज ये आ जाता है, अगर ये पाउडर फॉर्म में हम लोग लेंगे तो ये 6 महीने तक ही रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है प्रॉपरली स्टोर किया सकता है, उसके बाद ये बेकार हो जाता है, बाद वही सारी कंडीशन सेम है। फॉर्मुलेशन की बात करें, टैबलेट सिरप और इंजेक्शन के रूप में आता है, ब्रांड नेम लारियोगो, बड़ा फेमस है लारियोगो, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा है ना, लारियोगो का इंजेक्शन भी आता है, लारियोगो का सिरप भी आता है, लारियोगो की टैबलेट भी आती है, एरलेन, नेवाक्विन और मेलाक्विन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं प्रेमाक्विन फॉस्फेट, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रेमाक्विन इज यूज्ड टू ट्रीट प्रिवेंट मलेरिया एंड टू ट्रीट न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया। अब देखो ये मैं इसलिए बताता हूं कि यूज जो होंगे ना हमारे पास वो इसी के लिख देंगे, मलेरिया में ठीक करने को काम में आ रहा है और न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया ठीक करने में काम आ रहा है। क्या है ये न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, ठीक है, इंफेक्शन कॉज्ड बाय द फंगस, कौन बना रहा है इसको, फंगस पैदा करता है, डेट वीकन द इम्यून सिस्टम, यहां पर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। स्पेसिफिकली इट इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, खास करके इसको मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी कौन सा मलेरिया, प्लास्मोडियम वाइवैक्स, मैंने बताया था 4 टाइप के होते हैं, एक क्या होगा फैल्सीपरम वाइवैक्स और ये आ गया प्लास्मोडियम ओवेल, इन दोनों को ठीक करने के लिए ये स्पेशली यूज में लिया जाता है। इट इज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, ये एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है कि अगर दूसरी मेडिसिन नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया को ठीक करने के लिए, अगर इनकेस नहीं है, अदरवाइज प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब एक के जगह दूसरा इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, टुगेदर विद क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन भी एक मेडिसिन है, इसके साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेकन बाय माउथ। स्टार नहीं है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, किससे, केमिकल नेम और स्ट्रक्चर से, बट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, मजा आएगा। देखो तो क्या कह रहा है आगे, ये तो वही सेम ही आ गया, इसमें बचा गया ये रहा, है ना, 1 2 3 4 और 5, अब देखो क्या ये 4 पे N आ गया, ठीक है ना, और 4 पे N आ गया, 6 पे मिथॉक्सी आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, 8 पे आइल आ गया, 6 पे क्या आ गया, ये सी था तो ये क्या आ गया मिथॉक्सी हो गया, पेंटेन 1 2 3 4 5 ही कर दिया मैंने, यहाँ पर सी है 5 पेंटेन 1 4 1 पर, और 4 पे क्या लगा हुआ है अमीन लगा हुआ है 1 4 डायमीन और फॉस्फोरिक एसिड, लिख दो फॉस्फोरिक एसिड साथ में H3PO4, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर आ जाएगा। देन आगे आते हैं यूज, तो यूज मैंने बता दिया जो ऊपर बताए थे मलेरिया और न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करूं तो स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, ठीक है, स्टोर 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड में। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट के रूप में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करूं तो सर्वी प्राइम, एवाक्विन,
मैलरिड, ये बड़ा कॉमन नेम है, सुन रखा होगा बहुत लोगों ने, और प्राइमाक्विन, ये भी सुन रखा होगा। क्लियर है यहां तक बातें? नेक्स्ट मेफ्लोक्विन, स्टार लगा हुआ है तो इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। आओ देखते हैं, मेफ्लोक्विन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम लैरियम, लैरियम के नाम से काफी फेमस है ये। मेफ्लोक्विन इज अ किनोलिन डेरिवेटिव, किनोलिन होता है, इसके अंदर किनोलिन पाया जाता है जो केमिकल स्ट्रक्चर है। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट मलेरिया, ठीक है, मलेरिया को ठीक करने में काम में आता है। व्हेन यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यानी कि अभी मलेरिया हुआ नहीं है, अगर मलेरिया ना हो ऐसे इसके तौर पे इस्तेमाल किया जाए। इट इज स्टार्टेड बिफोर पोटेंशियल एक्सपोजर, इसको हम लोग देना शुरू कर देंगे इससे पहले कि तुम कहीं पे मलेरिया वाले जगह पे जाओ। पोटेंशियल एक्सपोजर मतलब जहां तुम्हें जाके एक्सपोज करना है मलेरिया के साथ, टक्कर लेना है, टक्कर लेना मतलब मलेरिया जहां पर है काम करना वहां पर। एंड कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक आफ्टर पोटेंशियल एक्सपोजर, तुम गए किसी कंट्री में जहां मलेरिया बहुत ज्यादा था, वहां पर काम किया, खा रहे उस दवा को लगातार शुरुआत से खा रहे और वापस भी आ गए, उसके बाद भी होता है क्या, मैं तुम लोगों को बच्चे बता दूं, मलेरिया का पैरासाइट ना एक एक साल तक बॉडी के अंदर रह जाता है और कई बार एक एक साल के बाद अपनी साइकिल पूरी करता है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि बिना मलेरिया के सीजन में अगर किसी को मलेरिया हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट मलेरिया के सीजन में किसी मच्छर ने काट लिया था, पड़ा हुआ था, उसे कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिल गई है ना, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल, अनुकूल मतलब फेवरेबल, ऐसी स्थिति मिल गई है बॉडी के अंदर, अब वो क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, इट इज यूज टू ट्रीट माइल्ड और मॉडरेट मलेरिया बट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सीवियर, सीवियर मलेरिया कंडीशन हो जाए तो इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे। इट इज टेकन बाय माउथ, मुंह के द्वारा लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखें इसमें क्या है हमारे पास। ठीक है, तो केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो देखने में बड़ा ही सिंपल है, यहां पर क्या है, सी है और सी है, तो आओ देखें क्या है हमारे पास। मिथेनॉल, यहां पर वही आ गया, ये सी आ गया, इसको तो पहचानने लगे हो गए अब तो, है ना, ये क्या है, ये हमारे पास क्या भैया, पिप्रिडीन, ठीक है ना। अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 2 पर और 8 पर, अब समझना जरा बात को, यहां 20 लिखा है। देखो जैसे 1, 2, 3 हिंदी की गिनती है, 1, 2, 3 अंग्रेजी की गिनती है, उसी तरह ट्राई एक तो आ गया, मोनो डाई ट्राई एक होता है, बिस मतलब डबल, ट्रिस मतलब तीन, टेट्राकिस मतलब चार, तो जब दो दो चीजें एक की, मतलब हम लोग लगातार एक ही भाषा की दो गिनती का इस्तेमाल नहीं करते इसमें, अगर क्योंकि यहां पर हम लोग क्या डाई ऑफ ए ट्राई तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हमने यहां पहले क्योंकि ये खुद अपने आप में दो है तो बिस और ये एक पे कितने लगे हुए, 1, 2 और 3, तीन फ्लोरिन लगे हुए हैं तो ट्राई फ्लोरो, और एक सी है तो मिथाइल, ठीक है ना, ट्राई फ्लोरो मिथाइल, 1, 2, 3 ट्राई फ्लोरो मिथाइल के कितने हैं, दो हैं, एक यहां एक है तो 20, दो लगे हुए, तो इसलिए यहां पहले क्या लग गया, 20 लग गया, ये भी एक गिनती का तरीका है। किनोलिन कंपाउंड क्या हो गया, किनोलिन हो गया 4-aryl, ठीक है ना, देन पिप्रिडीन और ये 1 और ये 2, 2 से लगा हुआ तो 2-aryl और मिथेनॉल। क्लियर है स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा होगा, गुड। यूज की बात करें टू ट्रीट मलेरिया, स्टोरेज कंडीशन सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट है, ब्रांड नेम की बात करें तो लैरियम, फैसिटल, फेल्सिटल और लैरिस मैफ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। साइक्लोग्वानिल, साइक्लोग्वानिल इज अ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है ना, यहां पर इसका मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, डाइहाइड्रोफोलेट जो एंजाइम है उसको क्या कर देगा, ये खत्म कर देता है। इट इज मेटाबोलाइट ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग प्रोग्वानिल, देखो जो प्रोग्वानिल होता है ना एक तरह से उसके अंदर से निकलेगा साइक्लोग्वानिल, उसका मेटाबोलाइट है, जब ये टूटेगा आगे जाकर के तो उसके अंदर से क्या निकलता है, साइक्लोग्वानिल निकलता है। ओके, इट्स फॉर्मेशन इन वाइवो हैज बीन थॉट टू बी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एक्टिविटी ऑफ प्रोग्वानिल, मतलब एक होता है इनवाइट्रो एक होता है इनवीवो, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं एक इनवाइट्रो और इनवीवो, पता ना क्या होता है, एक होता है जहां पर जो जगह जैसी होती है, ठीक है, अगर यहां कंफ्यूजन है तो इस लाइन को चाहो तो हटा दो, वीवो वाइवो, वीवो और विट्रो वाली कंडीशन, जो जो चीज जहां पर रियल में पाई जाती है उसको विट्रो बोलेंगे, जो चीज बाहर निकाल के पाई जाएगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वीवो बोल देंगे, ठीक है ना। इट्स फॉर्मेशन, अगर यहां से कंफ्यूजन हो रही है तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं हम लोग, छोड़ दो, हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इट्स फॉर्मेशन
हैज बीन थॉट टू बी, इसका फॉर्मेशन माना जाता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एंटी मलेरियल एक्टिविटी ऑफ प्रोगुआनिल। प्रोगुआनिल की एंटी मलेरियल एक्टिविटी का रीजन ये माना जाता है। इट हैज अ रोल एज एन एंटी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फेक्टिव भी है, एंटी पैरासिटिक, एंटी पैरासिटिक भी है, एंटी मलेरियल, मलेरिया को भी रोकेगा, एंटी प्रोटोजोअल, प्रोटोजोअन को भी मारता है, जब प्रोटोजोअन्स कुछ पैरासाइट होते हैं उनको भी क्या करता है, एंड एन एंटी फोलेट, ये यहाँ पे एंटी डिहाइड्रोफोलेट है ना, इसको क्या करता है, ये फोलेट ग्रुप को ये खत्म करता है। केमिकल स्ट्रक्चर और नेम की बात करें अगर हम लोग, तो अगेन देख लेते हैं, इसको टफ नहीं है ज़्यादा, सिंपल सा है, समझ लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर क्या है, ओके तो 135 ट्राइएजाइन 24 डायामीन, कहाँ चला गया ये 66, ओके अब देखो जरा यहां पर क्या है, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है ना, तो 6 डाइमिथाइल, एक सी ये और 1, 3 and 5, तीन जगह नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, तो ट्राई एजा एजीन 2, 4, 2, 4 पे डायमीन हो गया। अब आ जाते हैं 5 पर, ठीक है ना, एक मिनट, सॉरी उल्टा हो गया, ये नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बाद में सब सही है, यहां से काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है ना, क्योंकि इसको प्रायोरिटी दे देंगे, क्योंकि इसको नंबरिंग लोएस्ट, ब्रांचिंग होती है, हम लोग कोशिश करते हैं ब्रांच को लोएस्ट नंबर दें, ठीक है ना, यहां से करेंगे तब भी बात वही आ गई, 1, 2, 3, 4, 5 ना, 1, 3 और 5 पे एजा लगे हुए हैं और 2 और 4 पे अमीन लगा हुआ है, साथ साथ में एक और फायदा मिल गया हमको, जो ब्रांचिंग थी लोएस्ट नंबर पे आ गई, 4 क्लोरो 1, 2, 3 and 4, 4 पे क्लोरो लगा हुआ है और ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से ये इसकी क्या हो गई, नेमिंग हो गई। आगे आते हैं, यूज की बात करें तो यूज इसके वही है, एज अ टू ट्रीट मलेरिया, इट इज ऑल्सो यूज एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, एंटी पैरासिटिक एजेंट, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट, जो मैंने यहां पर स्टार्टिंग में क्या हो रहा है ये चलो साइज डायमेंशन, ओके तो ये जा नहीं रहा है तो खिसका लेते हैं थोड़ा सा, ओके चला गया, गुड आ जाओ, तो ये क्या है भाई, इट इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है, जो डिजिटल चीजें होती हैं उनमें थोड़ी बहुत कई बार ऐसा हो जाता है, कहाँ हाथ टच हो जाए और क्या चीज निकल आती है पता नहीं चलता है, खैर स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, ठीक है, फॉर्मुलेशन सेम है, ब्रांड नेम फॉर्मुलेशन सेम नहीं सॉरी फॉर्मुलेशन क्या है, टैबलेट के रूप में है, ब्रांड नेम क्या है, प्रोगुआनिल, येशिरोन, मेलारोन, मैलिस और पेलोनिल के नाम से मार्केट में क्या है ये अवेलेबल है, क्लियर है, चलें आगे, ओके आगे देखते हैं हम लोग, प्राइमिथामाइन, ठीक है ना, क्या नाम आ गया, प्राइमिथामाइन, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल रहेगा इसमें यहां पर कुछ चीजों का, प्राइमिथामाइन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम डेराप्रिम, डेराप्रिम के नाम से ब्रांड नेम का अवेलेबल है, इट इज सिंथेटिक डेरिवेटिव, आर्टिफिशियल है, ऑफ इथाइल पायरीमिडाइन, इथाइल पायरीमिडाइन का सिंथेटिक डेरिवेटिव है ये, इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ, किसको इनहिबिट करता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको कॉम्पिटिटिवली रोक देगा जाकर के, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज अ की एंजाइम इन द रिडॉक्स साइकिल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट, ए कोफैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, यानी कि मलेरिया में, मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम को एक तरह से क्या कर दे रहा है, ये ब्लॉक कर दे रहा है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, इट इज यूज्ड विद ल्यूकोवोरिन, ठीक है, अब कह रहा है कि ल्यूकोवोरिन इज यूज्ड टू डिक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ पायरीमिथामाइन, इट डज नॉट हैव इंट्रिंसिक एंटीपैरासिटिक एक्टिविटी, ल्यूकोवोरिन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकोवोरिन पायरीमिथामाइन की साइड इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देता है, प्लस ल्यूकोवोरिन का लेकिन कोई भी एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी नहीं है, ओके टू ट्रीट पैरासिटिक डिजीज, इसके अलावा
पायरीमिथामाइन क्या करता है, एक पैरासाइटिक डिजीज है जिसको हम कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अ डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम इंफेक्शन विद द टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पैरासाइट। एक पैरासाइट है इसका नाम क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, इसकी वजह से एक डिजीज होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इसको ठीक करने में भी काम में आता है। एंड सिस्टो आइसोपोरियासिस एंड इंटेस्टाइनल डिजीज, ये एक इंटेस्टाइन की डिजीज है ऑफ ह्यूमंस कॉज्ड बाय द कोकिडियन पैरासाइट सिस्टो आइसोपोरा बेली। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग को यहां पर डिजीज ध्यान रखनी है टॉक्सोप्लाज्मोसिस यूज में और सिस्टो आइसोपोरियासिस, इतना याद रखना है। ठीक है, बाद पूरी लाइन याद नहीं होती है तो उसको छोड़ देना है हमें। ठीक है, मैं पहले ही बताया था बिल्कुल लकीर का फकीर नहीं बनना है, इनमें अगर कुछ चीज लगती है कि सर की ये लाइन थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है हटा दो, चार लाइनों को तीन लाइनों में कर दो, चार लाइनों को दो लाइन कर दो, ये इंट्रो वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, यहां से दो तीन लाइनें हटा सकते हो। इट इज यूज्ड विद डैप्सोन, ये एक ड्रग है जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें आएगा एज सल्फोनावाइड्स में, एज अ सेकंड लाइन ऑप्शन टू प्रिवेंट द न्यूमोसिस्टिस, जो न्यूमोसिस्टिस हमने देखा था अभी, जीरो वैसी न्यूमोनिया इन पीपल विद एचआईवी एड्स, एचआईवी एड्स के अंदर जिनके अंदर ये डिजीज पाई जाती है, डेप्सोन के साथ हम इसको क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। अब किसी को लगेगा सर ये कितना एक्स्ट्रा लिखे, मत लिखो छोड़ दो, है ना, मेन अपना स्टार्टिंग की दो लाइनें पकड़ लो आगे बढ़ जाओ, लकीर का फकीर नहीं बनना है कि जो टीचर ने पढ़ा दिया पढ़ना ही है पढ़ना है, बात समझ में आ रही ना। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहेंगे समझना चाहेंगे तो वो लोग इसको लेके चले, कुछ बच्चे हैं जो सात आठ पॉइंट है सारे लर्न करने की क्षमता रखते हैं तो अच्छी बात है। ओके, इट वॉज प्रीवियसली यूज फॉर मलेरिया बट इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड ड्यू टू रेजिस्टेंस, पहले इस्तेमाल होता था लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम ड्रग्स को पढ़ते हैं, पायरीमिथामिन इज टेकन बाय माउथ, माउथ के द्वारा इसको लिया जाता है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग तो वेरी सिंपल, क्या यहाँ पे देखो ये वही आ गया ना 2,4-diamine और यहां पर है 1,2,3,4,5 और ये 6 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल पायरीमिडाइन, 6 पर 1,2 इथाइल पायरीमिडाइन आ गया पूरा 2,4-diamine। ठीक है ना, 2 और 4 पे क्या आ गया, डायमीन आ गया, 5 पर क्या लगा हुआ है, 1,2,3 and 4 4-chlorophenyl, 5 पे क्या लगा हुआ है, 4-chlorophenyl लगा हुआ है। यूज की बात करें तो ट्रीट है मलेरिया टॉक्सोप्लास्मोसिस सिस्टो आइसोस्पोरियासिस, क्लियर है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें सेम है, फॉर्मुलेशन की बात करें टैबलेट सिरप और सस्पेंशन के रूप में पाया जाता है। ब्रांड नेम की बात करूं अगर मैं तो ये डाराप्रिम फैंसीडर मैलिएट मैलियल्थ किल्ट और लैरिनेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। देखो अगर कोई नाम तुमको डिफिकल्ट लगता है ना तो उसकी हिंदी याद रख लो, हिंदी बना लो, जैसे क्या लिखा हुआ है लैरिनेट मैलियल्थ, हेल्थ का एल्थ हो गया, फैंसीदार या फैंसीदार, है ना फैंसीदार, इस तरीके से चीजों को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज ही याद रखना, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही हो जरूरी नहीं है, हमको एग्जाम में लिखने से मतलब है, क्लियर है बातें। नेक्स्ट आते हैं आर्टिमिसिनिन, आर्टिमिसिनिन एंड इट्स सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, ये और उसके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव जो कुछ सिंथेटिक होंगे कुछ आर्टिफिशियल होंगे, आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ओके, कॉज्ड बाय प्लास्मोडियम फैल्सीपरम, जो कि प्लास्मोडियम फैल्सीपरम के द्वारा मलेरिया किया जाता है उसको ठीक करने में काम आता है। ओके, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी आर नाउ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड, आर्टिमिसिनिन बेस्ड मतलब आर्टिमिसिनिन को मिला करके कॉम्बिनेशन थेरेपी जो बनाई गई है मलेरिया को ठीक करने के लिए प्रेजेंट टाइम पे वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की गई है और हर कोई इसको यूज कर रहा है। ठीक है, फॉर पी फैल्सीपरम मलेरिया एज वेल एज मलेरिया ड्यू टू अदर स्पीसीज ऑफ प्लास्मोडियम, यानी कि चाहे पी फैल्सीपरम हो या कोई और टाइप ऑफ मलेरिया हो ओवेल या वाइवेक्स वाला उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये आओ देखें, फिर कह रहा आर्टिमिसिनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट आर्टिमिसिया एनुआ, ठीक है ये प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नेम है उसका, स्वीट वॉर्मवुड, ठीक है, अ हर्ब एम्प्लॉयड इन चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है ना, जो स्वीट वॉर्मवुड एक प्लांट है ना, नेट पे जाकर देखोगे इसका पिक्चर दिख जाएगा तुम्हें, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता था तो ये वहां से हम लोग इसको क्या मिलता है, हमको ये आर्टिमिसिनिन मिल जाता है। आर्टिमिसिनिन एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑल सेस्क्यूटर्पीन लैक्टोन्स, ये उसके अंदर एक क्या पाया जाता है,
ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। कंटेनिंग एन अनयूजुअल परोक्साइड लिंक ब्रिज, उसके अंदर एक अनयूजुअल सी परोक्साइड लिंकेज पाई जाती है, ठीक है। दिस एंडो परोक्साइड 1-4 ट्राइऑक्सेन रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी मलेरिया प्रॉपर्टी। अब देखो इसका हम नेमिंग थोड़ा सा काफी टेढ़ी नेमिंग है, ये देखो ये परोक्साइड लिंकेज है, ठीक है, 1-2 and 4 ट्राइऑक्सेन लिंक, 1-4 जो रिंग है यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी नेमिंग में बताऊंगा। अभी क्या है थोड़ा सा इसमें काफी सारे हैं डॉट्स वगैरह हैं तो समझने में दिक्कत आएगी, अभी मैं कर दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो फिलहाल केवल इसमें देख लो इसमें मेरे को क्यों रख दिया यहाँ पर। जैसे बता रहा ना ये परऑक्साइड, जब भी दो ऑक्सीजन ऐसे लगे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहलाता है परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है ना। स्ट्रक्चर अपने कोर्स में नहीं है, ये अपने उसमें नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होंगे। नाम काफी टेढ़ा है, समझने समझाने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और तुम लोगों को दिक्कत भी होगी, तो हम जब नेमिंग करेंगे तो इसको फिर डिटेल में ले लेंगे। ओके, आगे आते हैं। यूज की बात करें, इट इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट इंजेक्शन और सपोजिटरी, सपोजिटरी पता ना क्या होती है, एक इस तरह कैप्सूल टाइप का रहता है और जिसको हम लोग थ्रू एनएस, एनएस में लगा दिया जाता है, एनएस की हीट से वो पिघल जाता है और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ब्रांड नेम की बात करें, ट्राइक्विन केयर, आर्टिमिसिन और आर्टिफास्ट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो ये था मेरे पास एंटी मलेरिया ड्रग्स के बारे में कुछ ड्रग्स और उनकी इंफॉर्मेशन। मलेरिया कैसे होता है ये बात अब तुम लोग बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, अब उम्मीद करता हूँ किसी को समझा भी पाओगे कि कैसे होता है और क्यों होता है। एक एक साल तक भी मलेरिया का सीजन नहीं चल रहा तब भी मलेरिया रह जाता है, क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या करना है पता ही है, एक ही चीज रिवाइज करनी है, क्या करना है रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है जिससे कि ड्रग्स के नेम और स्ट्रक्चर अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। ओके, पढ़ोगे ना, गुड, ऑल द बेस्ट।